फिर मैडम तो दीवानी आई थी, फिर हमने तो ना छोड़ गई, मरजानी खुद तो रही नहीं पर अपना छाया छोड़ गई, दुख नहीं मैडम गम हो रहा है करके अखा दवा दे साली ओठा तोड़ गई। मैं देगी धोखा। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बॉस नरवाना और वर्ल्ड में बजाना। तो आज खेता में इंटरव्यू चल रहा है भाई, और बहुत ही प्यारा इंटरव्यू होने वाला है। शायरी के बारे में इंटरव्यू आज है कि एक छोटा सा लड़का, एक प्यारा सा बच्चा अपने नरवाना क्षेत्र से है और बहुत अच्छी शायरी करता है छोटी उम्र में, और दिल की बात लिखता है। ये आजकल जो ये दिल टूट जे हैं और धोखा मिल जे है, प्यार कराया था, स्त्रियों की जो चीजें हैं, लड़कियों पे शायरी लिखता है। तो कैसे, क्या बातें होती है, मुलाकातें होती है, जो दर्द है अंदर का आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो छोटे भाई, सबसे पहले स्वागत आपका। अमित बोस नरवाना देखने वाले सारे चैनल ने दिल राम राम, और आपने भी बोस राम राम। थैंक यू छोटे भाई। अच्छा, शायरी लिखते हो आप। हाँ। सबसे पहले शायरी जो शब्द है, आपकी नजर में क्या मायने है उसके? शायरी तो देखो बहुत, शायर तो बहुत बड़ी चीज होती है, अभी तो कुछ भी को नहीं है, सिर्फ मैं अपने आप नु कह सकूं कि दो शब्द जोड़ लिया और वो गा दिया। हां शायर तो बहुत चढ़ी हुई चीज है, मन ने भी को नहीं मेरा शायर के वो सच्ची बताऊं तो बिल्कुल। हाँ। तो भाई जो शायरी लिखते हैं, बहुत बड़ा उद्दा है शायरी का, कोई छोटी चीज नहीं है। तो हम सैल्यूट करते हैं जो भी भाई शायरी और बड़ी बड़ी स्टेजों पे जाके मतलब लोगों का मनोरंजन करते हैं और अपने दिल की भावना आपके समक्ष पेश करते हैं। तो शायरी आप लिखते हो। हाँ बस। बहुत सारे ऐसे हैं कि एट वंस कोई चीज देखी उस पर शायरी लिख दी, कई जने ऊं बैठ कर सोच कर शायरी लिखे। तो आपका शायरी लिखने का क्या तरीका है? बस बस नु हमें तो किसी और टॉपिक ले लिया करूं मैं, ले जो भी गल्लो अगर उनका टॉपिक ठीक लग गया तो लग गया, नहीं तो दिमाग में चढ़ गया मैं, ले जो कर कल जाड्डा सोरे तो समझ ने नो जाड्डा को ऊपर आएगी, जाड्डा को ऊपर सुनाए दे, तो जाड्डा को ऊपर सुनाए दे सुनाए दे। फिर मैडम तो बड़े ता बड़ा खर्चा देख दे, उन्हें पाछा कौन देख दी, जब मारा दिल मोह कोई खुआई मम कर के ला देख का दिल बहला लिया। हाँ कि मैडम तो बड़े ता बड़े खर्चे देख कर दे, उन्हें पीछा कौन देख दी, जब मारा दिल मोह कोई खुआई मम कर के ला देख का दिल बहला लिया। हाँ और तेरी ओड मेरे पकड़ा हुआ थी, थर गर्मी में चल ऐसी और जाड्डे में चल गर्म मीटर, मम गिनती पास से का काम चला लिया। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। जो ये शायरी लिखते हो आप, दिल दुल टूटा है कि ये मतलब बचपन से ही शौक था? ना बस दिल दुल टूटने वाली कोई बात को नहीं, बस हूं लिखा भी करूं ना फिर थोड़ी सी, मैं उस टाइम पे नू कह सकूंगी मैं कुछ भी कौन था उस टाइम पे, तो बस शौक था मन नू, फिर जब नू मैं उस टाइम पे भी गरीबी बहुत देखी थी, फिर इन चीजों का बेरा कौन था भाई, गरीबी के चीज हो वह है। तो फिर मैं जिस डालता है मैं उम्र बढ़ती रही ज्ञान सांदा रहे, तो फिर दूनी मैं दिल सा मैनू हो गया भाई मैं तो नाम में कमाना है। तो उससे अब तक तो कितने साल हो गए अपने इस लाइन में? बस कम से कम 2.5-3 साल हो गए मेरा, हम 2.5-3 साल हो गए। पढ़ाई कितनी होगी अपनी? पढ़ाई 10th क्लास में, 10th क्लास में। घर वाले आपकी वीडियो देखते हैं? हाँ। तो घर वाले ये कुछ रिएक्शन रहता है कि बेटा ये प्यार प्यूर का चक्कर मना पड़ी है तो चीज लिखा है, मतलब उस तरीके से कुछ? ना बस घर के ना पता इस बात का, तो पता भाई लड़का कड़ियां गलत नहीं हो सकता, और यह बात मैंने नू तो कह दे के मैडम मैडम लेकर रखा सारी आना। हाँ। तो फिर मैं हर किसी ने पता इस चीज का, तो मेरी मम्मी और भी मैं फोन चलावा उन्हें भी पता इतनी चीज का, तो चलावा तो किस चीज पावा है, तो मैं उनको बता भी दूं भाई ट्रेंड का सेट बनाऊं नू एसी भी को नहीं आवे, छोरी छोरियों को परेगानी हो सारी चीज जिस चीज धार्मिक चीज पे भी गा सका। हां लेकिन ट्रेंड छोरियों का ज्यादा दिल टूटे हो ज्यादा बैठे हैं आजकल, तो लड़के भी पसंद कर रहे हैं भाई, क्योंकि लड़का की तरफ तो बनाने लग रहे हो। हाँ। लड़कियां उसका 100 गुना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कमेंट भी ज्यादा लड़कियां ही आंदे होगे। हां लड़कियां के नू भी आज भाई मारो ऊपर भी बनाओ लड़कियों के ऊपर भी, फिर लेकिन एक एक चीज या भी सोचनी की है कि मैं ले छोरा हूँ छोरियां वाले काम को कर सकूं, एक छोरी है वह छोरियां को ऊपर मारेगी काम हो सका है, लेकिन लुगाइयां वाले काम को नहीं होंगे बस। तो पढ़ते को नहीं बस, क्योंकि पता छोरी कम यूज करा है इंस्टाग्राम ने, और छोरे आपने पता है कुकर कमेंट में कर दे ना, अभी तो सारे चलो क्रेज हो गया चीज का टिकटॉक के बाद, तो प्रपोज वगैरह भी आ जाते होंगे कि भाई लड़कियां जैसे देखती हैं, तो भाई देखो सबको कुछ ना कुछ चीजें पसंद होती है, तो कई लड़कियों की सोच ऐसी भी होती होगी वहाँ भाई आई लाइक यू आई लव यू इस तरह से मैसेज वगैरह भी आ जाते होंगे। आ जाए बॉस मैसेज तो पता है आप भी चलाओ आपको लोग भी आवे देखो ये तो, बट एक या चीज है जिसने इन काम में बढ़ना हो तो बढ़ेगा। हाँ। फिर मैं इन चीजों का रिप्लाई करने, अगर मैं ले हूं गलती तब भी जाओ तो सीन करके मैं छोड़ देता हूँ, उन चीजों का रिप्लाई जरूर कर दू मैं छोरी ने, मान ले किसी चीज का टैलेंट है सर तो उनकी स्टोरी लगा दी, या किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए तो हेल्प कर दी, लेकिन इन चीजों में बो नहीं। देखो आपके पास यदि लड़की का मैसेज आता है तो उसको
पॉजिटिव वे में रिप्लाई कर सकते हो आप। हाँ। और ये बात नहीं होती कि मैं रिप्लाई कर दिया तो आप गलत, ऐसी बात नहीं है, उसको पॉजिटिव वे में ले कि आपका थैंक यू, आपने मैसेज किया, आपने सपोर्ट किया, तो ये चीज है। और अब बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं तो एक आधी लड़की नू भी होगी कि मतलब नो टिप टॉप डॉप सॉप टॉप क्लास की, एक आधी को पसंद भी आएगी, होगा दिन दिल ताची लगी है पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में। अगर मान ले जमा पॉजिटिव वे में लगावा ना तो मान ले उसका जमा हो रहा हो कि भाई मान ले मैंने इसके गले फ्रेंडशिप करनी है। हाँ। तो मैं उस दिन कह दूं ओनली फ्रेंड रह सकते हैं। हाँ। इस तो ऊपर और कुछ नहीं, मान ले फ्रेंड तो आज तक कोई लड़की नू पसंद आई को भाई शायरी बना दियो आपके बराबर में, कोई पसंद आई आपने उसकी शायरी अच्छी लगी हो इंस्पायर हो हानू तो जे है एक आधी लड़की का नाम लेना चाहो। हाँ बतेरे एंटरटेनमेंट में नीतू नीत इन दिन बहुत बढ़िया शायरी लिखा, बल्कि उसकी सगाई हो चुकी है। हाँ। लेकिन दिल से पसंद करते शायरी। हाँ बहुत ही बढ़िया हिंदी में लिखती है, और एक रीनू शर्मा है जींद से वो भी बहुत ही बढ़िया लिखती है। तो इंस्पायर किससे हुए आप इस लाइन में, गुरु किसको मानते हो? गुरु बच्ची खटखट को सर, बच्ची खटखट। हाँ। एक ये भी उठता है बॉस की उसके फॉलोवर ज्यादा, इस करके बॉस उसने गुरु मानना है। हाँ। तो इस चीज का रिप्लाई तो मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ रिप्लाई दूं, बाकी मैं बता दूं कि अगर मैंने बनाना होता तो मैं किसी यूट्यूबर ने बनाऊं जिसके 20-25 मिलियन हो रहे हो। सिर्फ यह बात है एक बात देख सका कि उसको गले मेरी इतनी अच्छी बना है, उसने मैंने आज तक उसे फॉलो बैक भी कोनी मांगा। ठीक है अगर मैंने काम में कटवाने होंगे नहीं तो मैंने उन्होंने भी कह देना मेरे फॉलो बैक कर, मैंने मेरी स्टोरी ला बात बात पे मेरे लो पीछे भेज, या ऐसा कोई चक्कर को नहीं है। ठीक है और जे अगर वो मैंने फॉलो भी करागा तो मैं भी खुद उस तमें कहूंगा कि भैया ने फॉलो कर दे, लोगों का यू बैम गाना कसूत हो रहा है भाई, मेरे लो मैसेज आवा कमेंटा में भी आ जाए बोस इस तरह के मैसेज। तो इंस्टाग्राम पे लगभग कितने साल हो गए आपने? इंस्टा शुरू था इंस्टाग्राम पर करा था बस, बाकी यूट्यूब पर तो लिप उस पर जो टिकटॉक था नहीं उस पर तो लिप सिंक करा करूं। अच्छा, मेरे कई महीने हो गए मतलब साल नहीं, कई महीने तो हो गए आपने कुछ इंस्टाग्राम पर। मैं जब छोटा सा था जब तो मैं खेत में बनाया करो, जब तो मैं बिना 10 दिन में पोस्ट गेड़े करूं। अब हो गए 2 साल करीब? नहीं 26 जनवरी ने मैंने पिछले साल 26 जनवरी ने मैंने स्टार्ट करी थी, तो मतलब 10-11 महीने हो गया। हां सही तरीके से ईब का स्टार्ट करी थी सर। अच्छा इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हो आप लगभग 1 साल हो गया लगातार। हाँ। संपूर्ण रूप से तो कमाई कमाई कितनी होगी? होगी कमाई तो बस कुछ को नहीं, बस नु भाईचारा मिल जाए, कड़ियां हेल्प चाहिए हेल्प मिल जाए, कमाई तो इंस्टाग्राम मोनेटाइज को ऑप्शन देने लग रहा तब होगी कमाई, तो कुछ कमाई को नहीं है बस। तो भाई जितने भाई ये देख रहे हैं वीडियो इंस्टाग्राम पे काम करते हैं तो इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई फीचर नहीं अभी मोनेटाइजेशन वाला, ये अभी कई चैनलों पे लागू होया है, जो छोटे चैनल उनको $1,000 का, बड़े चैनलों पे $5,000 का, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब वो भी 1 महीना के अंदर टारगेट पूरा करना अपना, जो मतलब इतनी वीडियो डालोगे उन पर उतनी ऐड लग जाए तो उससे आप मिल जाएंगे, उतने पीछे उससे ज्यादा नहीं मिलते, और वो भी कईया में पूरा नहीं होता टारगेट, वो कईया ने मिल रहा चैनल ने कईया ने मिल कर रहा, तो यह चीज है। बाकी और अलग तक कमाई तो वही बात है भाई, रील राल की प्रमोशन है जो है, और कोई स्टोरी ला दे मेरे उसके पीछे दे दिया, तो इस तरह की कमाई बहुत कम है, लेकिन नाम का पूरा डूंडा उठा भाई। और बाकी जितने भाई भी काम करने लग रहे हैं आप में जो टैलेंट है वो आप पब्लिक का शामी दिखाओ भाई, कोई पीछा नहीं लगता, आप पे फोन भी है माइक भी है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात को नहीं, और इतना भी हो तो सबका है क्योंकि फोन सारे रखे हैं परिवार में, 5-10 पांचों के पास फोन मिल जाएगा। और अपने क्षेत्र में कोई भी भाई अच्छा काम कर रहा है उसको वेल विश दिया करो, और उसको गॉड ब्लेस यू, तरक्की दिया करो, अपनी तरफ से बेस्ट विशेज दिया करो फ्यूचर के लिए। तो छोटे भाई इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, आगे क्या सोच है भविष्य के अंदर की, मेरे को क्या कुछ नेक्स्ट लेवल पे कुछ अलग सोच बनाई हो भविष्य के लिए आपने? फिलहाल तो नोर है, 10th का दसी होगी, 10th होने के साथ गाना काटेंगे बस। अच्छा गाना काटेगा तो दिल टूटा पे एक शायरी हो जाए बीच में, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। दिल टूटा पे किरा मैडम तो दीवानी आई थी, फिर आमने तो ना छोड़ गई, मर जानी खुद तो रही नहीं पर अपना छाया छोड़ गई, दुख नहीं मैडम गम हो रहा है, करके अखा का वादे साड़ी होठा का तोड़ गई। मैं देगी धोखा धोखा तो भाई सबने मिला है, और धोखा खा के जो उठा है ना बाघ सम वो नेक्स्ट लेवल पे उठेगा बंदा। हाँ। तो सबके साथ होता है जिंदगी में, ठीक है आप अफसोस ना करें, सबकी जिंदगी में हर एक घटना हुई है और उस घटना से इंस्पायर होगा बंदा, चाहे तो जमा घस जे यार, चाहे फिर आदमी बल्लभ की तिया चस जे, तो ये चीज है। और अंत में आखिरी सवाल लेंगे कि इंस्टाग्राम पे तो जैसे अभी काम कर रहे हो, ठीक है। हाँ बस। कभी न्यू भी होगा कि भाई किसी ने मतलब आपको ऐसा कि जैसे डिमोटिवेट कर दिया हो, कि ऐसा धमकी दे दी हो, मतलब इस तरह चीजें भी होती है? ओ जे बस फिर पता क्या बात है, अगर इस काम को शुरू हाथ ले लिया तो फिर छोड़ना किस चीज खातर है, नो धमकी तो पता कमेंटा में बहुत आ जे है, मैसेज में कई नु भी कंधे हो गए भाई, मतलब भाई मेरा प्रमोशन करते नहीं तने पिटांगे फलाने दी कड़ी जैसे ना, इस तरह नु तो कोई किसी ने को नहीं पीट सकता, देखो बॉस या तो कहने की बात होया करे है, बाकी नु जी सा उतर जे, लेकिन देख के फिर नु पिटने वाले तो किसी में कोई किसी को
पीट सकदा, अगर 10 मारा दो तो मैं उल्टे ठोकूंगा उसका। बस यहाँ बस बाकी पीटने वाले कोई बात को नहीं, अगर मतलब बॉल कड़वे का अगर जीत हार सका कोई ना बिल्कुल थोड़ा हाँ वो कर सका है, लेकिन ऐसा मोमेंट भी आया कभी ज्यादा एक बार तो हो गया वो भाई डिमोटिवेट हो गई तो छोड़ दूंगा इंस्टाग्राम। अगर मान ले कोई इस तरह की मान ले कोई आ भी जाओ घटना तो मैं बच्ची खटखट के बात कर ले, अगर वो मैंने सही मान ले बताया देगा भाई यू काम कर ले, फिर उसका थोड़ी सी रात सी मिल जाए। तो ऐसी कोई घटना हुई है कभी एक आधी कोई ऐसी घटना हो मतलब ना बिना नाम ले बताना चाहते हो आपकी भाई उस टाइम जी उतर गया उस नाम तो लेंदा वो बाकी गाड़ी बहुत आ जाए देश भी ने गाड़ी आ जाए नु धमकियों की भी आ जाए हैं वो भी गाड़ी कमेंटा में भी आ जाए लाइव में भी आ जाए हैं, पर पता के बात अगर इन चीजों दे कई चीजा पर गौर नहीं करना चाहिए। वही बच्ची खटखट ने मेरे तक बात कही थी कि 100 बंदे अगर तेने मान ले लाइक करे नी तो दो मान ले वो दो गाली दे रहे हैं तो उनका कहने ना ध्यान दे उन 100 का ध्यान दे ले। बिल्कुल 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 हाँ। तो ये चीज है नेगेटिव चीजों को आप ब्लॉक करो और पॉजिटिव चीजों को रखो लाइफ में ताकि दूसरे पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और रिप्लाई ना करो किसी का, बस अपना काम करते रहो और अपना काम के थ्रू लोगों ने रिप्लाई मिलता रहेगा। तो ये चीज आपने कभी सोचा था अमित बोस नरवाना आपका इंटरव्यू लेगा? ना बोस कदे नहीं सोचा सच्ची, मैंने तो नू भी नहीं सोचा था आपको गले में मिलूंगा तुरंत लियाना वाला भाई जोन सा कैमरा मैन बने रे इस टाइम इसने मिलवाया था। अब तो मेरी पहली बार बाकी वीडियो आ गए थी मेरा आगे आपकी, फिर सोचा भी था मैं कदे मिलूंगा अब तक, फिर आप मैंने नू भी नहीं मेरा था आपका थोड़ा ठिकाना कड़ा है, फिर एक भाई ने बताया भाई स्टेडियम आया करे, फिर स्टेडियम आने का टाइम में लगा ट्यूशन, जिस टाइम आपको स्टेडियम आने का टाइम होगा फिर उस टाइम मैंने ट्यूशन बजाना करा था। तो बाकी नू नहीं सोचा था, एक तो आपका बदल रहे का जब बदल कदे नहीं सोचा था भाई मैं ले इतना बड़ा अवसर भी मैं ले इतना बड़ा दिन भी आओगे कि आप इंटरव्यू लेओगे। चलो थैंक यू छोटे भाई यार, आप ऐसे ही तरक्की करते रहो और प्यार प्रेम से रहो। तो ऐसा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इंटरव्यू पसंद आया होगा, कोई सवाल पूछने हो तो आप कमेंट लिख दियो। डायलॉग भाई पता क्या बात है कई बार मैं मतलब अलग सिचुएशन में होनी फिर डायलॉग में कमें बोलिया करो क्योंकि इंटरव्यू लेने होना मैं अगला ज्यादा फोकस करूँ। तो सब्सक्राइब करें घंटी दे ताकि नई वीडियो मिलती रहे। कई लोग पूछ ले मेरे ते तू कुकर बन गया शायर इसी के तने चीज खोई थी हाँ। और मेरे भाई शायरी की शुरुआत दिल टूटने दे नहीं घर के ला देख खोई थी। हाँ भाई वाह क्या बात है।